नमस्कार दर्शक बंधु, रथयात्रा को नहीं प्रस्तुत होता सुंदर कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। यही कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य हूँ रथयात्रा को नहीं प्रस्तुत होता विभिन्न प्रकार कहानी और किंवदंती विषय जानवा। रथयात्रा विषय मुँ कहि आपण मैंने समस्त जानते। अच्छा, छेरा पहरा विषय तो आपस्ते शुणी हेले आर अर्थ प्रकृत कौन आसतु आम ज्ञानी देवाशिष मिश्र ठार बुझी नवा। सर नमस्कार। नमस्कार। एवं छेरा पहरा विषय आम कि कहतु। छेरा पहरा जगन्नाथ रथरे हुए आम समस्ते जानू, स्नान मंडप भी हुए, अतीत रत्न सिंहासन चारिपटे भी होता। छेरार प्रकृत अर्थ हूँ क्षर शब्द रु आसी अर्थात ओदा जल सिंचन करी ओलेबा। ओदा जल टिके पड़िले माटी पवित्र हबो एवं आमे साधारण गाँ गहलरे मध्य विश्वास करू पानी टिके छाटी देकि ओलेले धूली उड़ीबनी बोली। तेणु ये गोटे पवित्रता सूचक परंपरार प्रतीक। पुणी आउ गोटे कथा कौन ना, राजा होचंती जगन्नाथंकर प्रथम प्रधान सेवक। तो सी जेतेबेले सेवक से सेवक वर्ग रे रहबे आउ सी राजा नुहंती। एठी आउ अहंकार नाही, एठी मुकुट नाही, एठी पांडित्य बा युद्ध जयर लिप्सा नाही। तो सबु सेवक मानंकर से प्रतिनिधित्व करुचंती। तेणु राजा भी सेवकत्व स्वीकार करचंती जेतेबेले सी मध्य सेवा करिवे जगन्नाथंकर। तेणु सी मध्य ओळेबे छेरा पहरा विषय तो आम जाणिले हेले छेरा पहरा को नहीं किछि एमिति कहानी कि किंवदंती अछि कि? छेरा पहरा को नहीं सबुठ प्रमुख किंवदंती होची कांची अभियान प्रसंग, जोटी कि ओडिशार पुरपल्ली रे समस्ते जानती। ओडिशार राजा को चंडाल कहा जाउची। से संबोधन स्वीकार करूनी राजा, से संबोधन आशा करनी प्रजा। जगन्नाथंकर सेवा करूथुबा लोकटी को चंडाल कह कि आस्पर्धा कांची राजांकर। ए जो आवेग प्रवणता जगन्नाथंक सहित से कांची राजा को पराजित करने विजय अभियान बाहर अवश्य प्रसंग क्रमे पद्मावती। अच्छा पद्मावती विवाह प्रस्ताव पर तो ये सब आयोजन होता जहाँ को प्रत्याख्यान कले कांची राजा एवं कहले चंडाल हाथ में झील देवी के आसी पुरी आ देखी पुरीर राजा रथ उपरे सुना पहरारे ओलौचंती देखिथिले। ए देखिथिले बोली राजा को चंडाल कहिथिले। ए प्रमुख किंवदंती सहित आउ किछि कहानी मध्ये जोड़ी हेछि जेमिति माणिक गौड़ुणी प्रसंग। से माणिक गौड़ुणी जेतेबेले खरारे सोसरे आउटु पाउटु होथुबा प्रभु को दही दौची पीबा पई पाउणा मागुची, किंतु पाउणा नहीं प्रभु पाखरे, प्रभु मुद्रिका दौचंती एवं पछरे राजा आसुचंती ए मुद्रिका देखे तू तोर पाउना पाइजी बोली कहुचंती। राजा आसिकी प्रभु मुद्रिका माणिक गौड़ुणी पाखरे देखे आश्चर्य। आउ गोटे कहानी मध्य प्रसंग क्रमे कांची अभियान सहित अच्छी। जगन्नाथ और बलभद्र धला घोड़ा कला घोड़ा चढ़िकी जीवा कथाटी सिना देखिले आम शुणिले आम से पुणी मंदिर को फेरिले ना ना ताकू नहीं गोटे द्वंद तैयारी। कारण कांची गणेश को कनक दुर्गा को धरिकी तो राजा निजे सांगे आसु जगन्नाथ बलभद्र फेर कथा कह जाए ना जे राजा मन में द्वंद हो जगन्नाथ बलभद्र मंदिर को फेरिले ना ना एक प्रभु जानुचंती अर्थात प्रभु अच्छा मंदिर रे तो प्रभु जापर एवं सी जाऊँगी क्या पाखक ना गुड़िया घर को जा घरे सर्वत पीवं खबर दौरान राजा को कहीदेबू जे मु मंदिर ही अच्छी एवं तापरे गुड़िया से खबर राजा को दौची राजा आश्वस्त होती। तो ये जो कहानी गुड़िक सब गढ़ी उठी एथेर आप गोटे सूक्ष्म भाव में लक्ष्य करेंगे गोटे कथा जेथे जाति गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होे पूर्व मुझे माणिक गौड़ुणी जो टिके पूर्व कहूली गुड़िया से मदला पाजी में भारी चमत्कार भाव में लिखाई से लिखाई जगन्नाथ महाप्रभु आसिकी गुड़िया घरे पा पीकि जावापर गुड़िया पानी परस जाति हेले। तो अर्थात जाति को राजकीय मर्यादा मिलूची, जाति को हुए तो सामाजिक स्वीकृति मिलना ना ताकू नहीं कि गढ़ी उठी द्वंद्व सहित किंवदंती गुड़िकर संपर्क अच्छी।
तेणु ये जगन्नाथ को नहीं गढ़ी उठिता किंवदंती गुड़िकर अपूर्व मादकता केवल कांची अभियान को नहीं पूरी चारिपाखे तो एमती कहानी आउ किंवदंती गढ़ी उठी हेले पूरी बाहर एमती किछ अछि कि अछि ए जो कांची अभियान ये पूरी आउ जगन्नाथ को प्रतिष्ठा दौच निश्चय ओडिशार राजा को स्वीकृति दौच निश्चय राजकीय परंपरा रे सेवा वृत्ति रे जे कोनोसे भेदाभेद नहीं राजा मध्य जगन्नाथंकर सेवक एक कथा को कहि दउचि मध्य किंतु फेरिबा बाटरे गोटे किंवदंती दक्षिण ओडिशा रे गढ़ी उठिछि दक्षिण ओडिशार मंत्रीडी बोली गोटे गाँ अछि गंजाम रे तो सेही बाट देखि फेरिला बेले कांची अभियान रु गजपति हठात लक्ष्य करगला जे गजपतिंक पाखरे अर्थाभाव देखा देउछि एते बड़ राजा एते बड़ सैन्य सामंत एते हाथी घोड़ा फेरबे केमिति खाइबे कौन तो एते दूर रु जणे आसिबो भंडार मेकापंक ठारु अर्थ नब पुणी सेठिकी फेरिबो सेतिकी दिन सेमाने उपास रहिबे ए कथा तो हबनी तो राजा चिंता रे पड़िले कौन करिबे तांकर सामंत राजा माने सब विभिन्न अंचल रे अछंति मंत्री को परामर्श देले कहले कौन जदि उपाय देख बाट बाहर कर मंत्री से मंत्री डी गाँव रे चौधरी महाशयों पाखकू गले कहले से गाँव रणे धनाढ़ व्यक्ति कहले जे एमती गोटे परिस्थिति उपजी विकट परिस्थिति राजा अर्थाभाव गजपति अर्थाभाव आपण किसी साहय करतु से बिचारा ये खबर पाइला आसिक आकुस्त हो पहुँचिले इते बड़ राजा तांकु मु कौन साहय करी जदि भी साहय करी ता पुणी फेरस्त पाइबि ना नहीं यथा जोबले से राजा को कहले राजा सतबेलू एमती मुहरे हाथ मारूंट से हाथ मारवा भितर राजा हाथ में गोटे निश लगला से निशटी को राजा से चौधरी महाशय को बढ़ेदे कहले ये हूँ प्रमाण तुम्हें जोबले निश नहीं मत पुरी में देखेब से तुम समस्त जिनस सुधसह फेरदेवी तापरे राजा फेरी आसिले अनेक दिन परे से चौधरी महाशय आसिले पूरी से बिचारा से निशटी को गोटे सुंदर पाटवस्त्र आच्छादित कर रखिंट साइतिक रखिंट कारण उपाय ना से निश देखिले ही राजा फेरइबे बोली तो ये कथा भितर से आसी पहुँची जो राजा दरबार में राजा को पूर्व कथा कही राजा सहसा कि मन पड़न एवं राजा को से पाटवस्त्र भितर से निश खंडक देखुं जे प्रभु एथर कि मणिमा एथर कि मन पड़ा कि देखी राजा सब कथा मन पड़ जाऊँ राजा जो कांची अभियान फेरला बेले जो कि अर्थ उधार नहीं फेरवापी भंडार मेकअप को मंत्री जरिया निर्देश देखते किंतु से चौधरी महाशय गोटे सर्त रखुं कहते नहीं तो प्रभु मणिमा अर्थ तो नहीं अर्थ फेरदेवे सब ठीक ठाक कथा किंतु से अर्थर कौन हम अर्थ मोर कौन आवश्यक मत जदि मंदिर तैलंगी वाद्य सेवार सुजोग दि जाता अर्थात तैलंगी वाद्य सेवा जो निजोगटी चौधरी महाशय जरिया खोली बोली किंवदंती अच्छी आज तो आम रथजात्रा छेरापहरा विषय छाणिले आग को रथजात्रा नुआ नुआ तथ्य विषय छाणी आज तो समय हो गला रहोचु नमस्कार।